सेंट्रल गवर्नमेंट से स्टाफनोसिस की परमानेंट वैकेंसी आ गया है। हेलो एवरीवन, मैं हूं श्याम चौधरी, आप सबका स्वागत है नर्सिंग रिक्रूटमेंट एकेडमी में। गाइस, परमानेंट वैकेंसी है TIFR यानी कि टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट का एक लीडिंग ऑर्गेनाइजेशन है। वहाँ से जो है परमानेंट वैकेंसी स्टाफ नर्सेस के लिए आया है। पोजिशन का नाम रहेगा नर्सिंग, एंड सैलरी आप देखेंगे तो हैरान रह जाएंगे कि इनिशियल सैलरी जो है इतना है। ठीक है, मैं आपको पोस्ट एंड सारे क्रेडिट्स दिखाना चाहूँगा। ठीक है, उससे पहले नए तो चैनल में सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को। हम देखिए सीरियल नंबर 3 में पहला वैकेंसी है नॉर्थ से, वो एक पोस्ट है जो कि यूआर कैटेगरी में है, यानी कि सभी कैंडिडेट जो है इंडिया के अप्लाई कर सकते हैं। मैक्सिमम एज लिमिट रहेगा 30 ईयर्स, एंड पे बैंड रहेगा 7, जो कि आप देख पा रहे हैं सैलरी, इनिशियल सैलरी 80,993 रुपीज़ जो है इनिशियल सैलरी रहेगा एक नर्सिंग कैंडिडेट का। ठीक है, सेकेंड वैकेंसी है नर्से की, पोजीशन रहेगा सेम पोजीशन। ठीक है, लेकिन ये वैकेंसी ओबीसी कैटेगरी में निकला है। मैक्सिमम एज रहेगा 33 ईयर्स, सैलरी भी सेम रहेगा क्योंकि पोजीशन सेम है। ठीक है, एंड ये था पोजीशन एंड सैलरी रिलेटेड क्राइटेरिया। मैं आपको एजुकेशन क्राइटेरिया दिखाना चाहूँगा, कौन अप्लाई कर सकते हैं ये पोजीशन के लिए। जेएनएम और बीएससी कैंडिडेट और एमएससी कैंडिडेट कौन एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए। यहाँ पर देखिए नौसे की पोजीशन के लिए क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस क्या चाहिए, फुल टाइम एचएससी एंड फुल टाइम डिप्लोमा इन नर्सिंग एंड मिडवाइफरी, यानी कि जीएनएम रेगुलर बेसिस में कोर्स होना चाहिए, एंड कोई भी स्टेट नर्सिंग काउंसिल से रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होना कंपलसरी है, एंड मिनिमम 2 ईयर्स एक्सपीरियंस इन क्लिनिकल सेटअप। ठीक है, हॉस्पिटल सेटअप में 2 साल का एक्सपीरियंस कंपलसरी चाहिए जीएनएम कैंडिडेट के लिए। एंड डिजर्व क्वालिफिकेशन है बीएससी नर्सिंग, यानी कि बीएससी नर्सिंग के लिए कोई भी एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है। अगर जीएनएम कैंडिडेट तो फिर हॉस्पिटल सेटअप में 2 साल की एक्सपीरियंस चाहिए। मोड ऑफ सिलेक्शन कैसे रहेगा, रिटेन टेस्ट होगा एंड और ट्रेड टेस्ट होगा, यानी कि स्किल टेस्ट। देखिए रिटेन टेस्ट हो सकता है या फिर जो है स्किल टेस्ट हो सकता है, या फिर जो है दोनों ही हो सकते हैं, रिटेन टेस्ट उसके बाद स्किल टेस्ट उसके बाद पर्सनल इंटरव्यू। ठीक है, ये तीनों जो है स्टेप्स है सिलेक्शन के लिए। आप तैयार अभी से जो है शुरू कर दीजिए अगर आप एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए, क्योंकि ये डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है, परमानेंट वैकेंसी है सेंट्रल गवर्नमेंट से। नेक्स्ट वैकेंसी है नौसे की, सेम रहेगा जो कि ओबीसी कैटेगरी में निकला है। सारे क्राइटेरिया जो है सेम रहेंगे पहले के जैसा। ठीक है, ये सारे क्राइटेरिया एजुकेशन एंड एक्सपीरियंस रिलेटेड थे। अभी चलते हैं कैसे अप्लाई करना है, मैं आपको दिखा दूंगा। सो पहला स्टेप है आपको ऑनलाइन अप्लाई करना होगा। ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद आपको जो है सर्टेन प्रोसीजर्स फॉलो करना होगा, एंड क्या क्या प्रोसीजर्स है मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद आपको ऑफलाइन सेंड करना होगा एड्रेस डिटेल्स, एंड क्या डॉक्यूमेंट सेंड करना है मैं आपको वो भी दिखा दूंगा। अप्लाई करने से पहले ये पीडीएफ जो है थोरली रीड कीजिएगा। ये पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल में अवेलेबल रहेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहाँ से ज्वाइन होकर पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर स्ट्रिक्टली लिखा है आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है। ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद जो एप्लीकेशन फॉर्मेट जनरेट होगा उसे आपको ऑफलाइन सेंड करना है। ठीक है, एंड कहाँ पर सेंड करना है एड्रेस यहाँ पर देख लीजिए। लास्ट डेट रहेगा 12 अगस्त अप्लाई करने के लिए, एंड 12 अगस्त के अंदर ही आपको ऑफलाइन सेंड करना होगा। ठीक है, यहाँ पर एड्रेस देख लीजिए, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर रिसर्च सॉरी रिक्रूटमेंट सेल टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, होमी भाभा रोड, नेवी नगर, कोलावा, मुंबई 400005, ट्वेल्फ अगस्त तक आपको ऑनलाइन अप्लाई करके ऑफलाइन आपका जो है एप्लीकेशन फॉर्मेट पहुँच जाना होगा इस एड्रेस तक। ठीक है, वरना जो है 12 अगस्त के बाद आपके सारे एप्लीकेशन जो भी रिसीव होंगे उसे रिजेक्ट कर दिया जाएगा। यहाँ पर देखिए सीरियल नंबर 13 में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए आपको सेंड करने के लिए एप्लीकेशन फॉर्मेट के साथ, जो कि ऑनलाइन से जनरेट होगा, उसके साथ आपको ये सारे जो है डॉक्यूमेंट्स सेंड करना होगा। ठीक है, पहले तो नेसेसरी डॉक्यूमेंट है एप्लीकेशन फॉर्म जो कि जनरेट होगा, उसके साथ आइडेंटिटी प्रूफ यानी कि आधार कार्ड, पैन कार्ड, ये सभी, डेट ऑफ बर्थ यानी कि HSC का सर्टिफिकेट, हाई स्कूल का, और एजुकेशन क्वालिफिकेशन रिलेटेड टू नर्सिंग,
एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, कॉन्डक्ट सर्टिफिकेट फ्रॉम टू रेस्पेक्टेबल पोर्शंस, यानी कि आपके नियरेस्ट जो भी ग्रुप ए की पोस्ट है वहाँ से आप जो है कॉन्डक्ट सर्टिफिकेट लेकर आ सकते हैं, एंड आपका कास्ट सर्टिफिकेट, ठीक है, एंड कास्ट सर्टिफिकेट मोस्ट भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो है फॉर्मेट है उस फॉर्मेट से तैयार होना चाहिए, यानी कि स्टेट गवर्नमेंट की जो है फॉर्मेट नहीं चलेगा। सो ये सारे जो है डॉक्यूमेंट आपको सेंड करना है, एंड सेंड करने से पहले यानी कि अप्लाई करने से पहले ऑनलाइन ये थोड़ा रिलेट कीजिएगा पीडीएफ, यहाँ पे बहुत सारे जो है जानकारी दिए गए है रिगार्डिंग द रिक्रूटमेंट, ठीक है। सो गाइस लगभग जो है सारे क्राइटेरिया हम डिस्कस कर चुके हैं जो नेसेसरी है अप्लाई करने के लिए। सो अगर आप एलिजिबल है तो सेंट्रल गवर्नमेंट की पोस्ट है ज़रूर अप्लाई कीजिएगा, ठीक है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अगर भी इस तरह का वैकेंसी का इन्फॉर्मेशन आता रहेगा। अगर सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो फिर नोटिफिकेशन नहीं पहुंचेगा आपके पास, एंड इन्फॉर्मेशन भी नर्सिंग के रिलेटेड नहीं पहुंच पाएगा, ठीक है। इसलिए सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।